ज्ञानवाणी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। अरहर की खेती करके कमाए अधिक मुनाफा। स्वस्थ पौध के लिए सिंघाड़े की नर्सरी में जरूरी कार्य। अरहर एक ऐसी फसल है जिसका अगर सही से मैनेजमेंट कर लिया तो आप बम्पर उत्पादन ले सकते हैं। इस फसल में कई तरह की बड़ी बाधाएं आती है जिनका समाधान किसान के हाथ में है। ये समय अरहर की बुआई का है और कुछ एरिया में इसकी बुआई की जा चुकी है, तो अरहर की उपज अधिक से अधिक लेने के लिए विशेष रूप में किन बातों पर ध्यान दिया जाए, जानेंगे कार्यक्रम के इस पहले अंश में। अरहर की दाल सबसे अधिक खाने में प्रयोग की जाती है और इसकी खेती वर्षा आधारित क्षेत्रों में अधिक की जाती है। अपने देश में इसकी खेती का वर्तमान में कुल एरिया 5.3 लाख हेक्टेयर है, लेकिन उपज की दर को देखें तो आज कई किसानों को एक एकड़ एरिया से 30 किलोग्राम से भी कम उपज मिलती है, जबकि इसकी उपज की क्षमता प्रति एकड़ 5 से लेकर 12 क्विंटल तक है और इस उपज को लेकर ही किसान अधिक मुनाफा कमा सकता है। और यह उपज पाने के लिए किस्मों का चयन, बुआई का तरीका, पोषक तत्व प्रबंधन और विशेष रूप से फसल सुरक्षा पर ध्यान रखना होगा। यह फसल रोग कीटों से अधिक प्रभावित होती है, इसमें कई रोग लगते हैं और आप जानते हैं अरहर में जब रोग लग जाते हैं तब खड़ी फसल में इनका कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। एक कहावत है कि समस्या आने से पहले ही बचाव करना बेहतर होता है। अरहर में लगने वाले रोगों में उकठा, झुलसा और पांचपन मुख्य है। इनसे बचाव के उपायों में फसल चक्र अपनाना महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप उस खेत में अरहर की बुआई बिल्कुल नहीं करें जहां पहले अरहर लगाई गई हो और उसमें उकठा झुलसा बीमारी लगी हो। ऐसे खेतों में 3 से 4 वर्षों का अंतर देकर ही अरहर की बुआई करें। कई किस्मों का विकास हुआ है जिनमें उकठा आने की संभावना बहुत कम रहती है, ऐसी किस्मों को लगाएं। उकठा और झुलसा आने के मुख्य कारणों में खेत में जल जमाव है, इसलिए जल निकास की उत्तम व्यवस्था रखें। अरहर के साथ अंतवर्ती फसल ज्वार लेने से भी बीमारियों से बचाव में मदद मिलती है। ज्वार के अलावा मक्का, सोयाबीन या मूंगफली की भी फसल ले सकते हैं। बीमारियों से बचाव में मिट्टी और बीज उपचार का भी बड़ा योगदान होता है, इसलिए बीज और मिट्टी को फफूंद नाशकों से उपचारित करके ही बुआई करें। बीज और मिट्टी को उपचारित करने के लिए कार्बेंडाजिम या ट्राइकोडर्मा दवा का प्रयोग करें। मिट्टी उपचार के लिए ट्राइकोडर्मा बेहतर रहता है। अरहर फसल की अगली बीमारी है बांझपन। इसमें पौधे पीलापन लिए हुए झाड़ी नुमा हो जाते हैं, पत्तियों का आकार छोटा रह जाता है, शाखाएं अधिक बढ़ने लगती हैं और फूल और फलियां नहीं लगती हैं। इस बीमारी को फैलाने का काम एक माइट करता है। इस रोग की अधिकता के कारण 75% तक उत्पादन में कमी देखी गई है। यह रोग फसल में न आए इसके लिए खेत की सफाई रखें। कई ऐसी किस्मों का विकास हुआ है जिसमें बांझपन की समस्या नहीं आती है। कीट भी इस फसल के बहुत बड़े शत्रु हैं। इन कीटों में फली बेधक, फली मक्खी, पत्ती लपेटक और सेमी लूपर जैसे और कई कीट हैं। इनमें से फली बेधक और फली मक्खी सबसे अधिक नुकसान करते हैं, तो इनसे फसल को बचाने के लिए सबसे पहला कदम है गर्मी में खेत की गहरी जुताई। ऐसा करने से कीट तो नष्ट होंगे ही, बीमारियों के बीजाणु भी नष्ट हो जाते हैं और भी कई लाभ होते हैं। कीट रोधी किस्मों का चुनाव करें। देर से बुआई करने पर भी कीटों का प्रकोप अधिक होता है। फसल
बहुत घना होने पर भी कीटों का प्रकोप बढ़ता है, इसलिए उचित दूरी पर ही बुआई करें। फसल में खरपतवार नहीं बढ़ने दें। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग संतुलित मात्रा में करना चाहिए। कीटों को कंट्रोल करने के अन्य तरीकों में आप ट्रैप का भी प्रयोग कर सकते हैं। फली बेधक के वयस्क नर को आकर्षित करने के लिए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग किया जाता है, जिसमें वयस्क नर फंसकर नष्ट हो जाते हैं और इनकी संख्या नहीं बढ़ पाती है। और इस ट्रैप का प्रयोग फूल आते समय करना होता है। अगर फसल में पक्षियों के बैठने की जगह बना दी जाए तो भी पक्षियों द्वारा कीटों का शिकार कर लिया जाता है। ये पक्षी सभी तरह के उड़ने वाले कीटों को खाते हैं। अगर किसी किसान ने कीट और रोगों से बचाव के उपायों को सही ढंग से नहीं अपनाया है और खड़ी फसल पर कीट बीमारियों का प्रकोप हो जाता है या मौसम में उतार चढ़ाव से कीट रोगों की समस्या आ जाती है, उकठा की अगर बात करें तो खड़ी फसल में इसका नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर अंगमारी यानी स्टेम ब्लाइट बीमारी लगी है तो शुरुआती लक्षण दिखाई देते ही ऐसे पौधों को निकाल कर जला दें या मिट्टी में गाड़ दें। उसके बाद मेटालेक्सिल और मैंकोजेब का मिश्रण, जो बाजार में कई नामों से उपलब्ध हैं, इस दवा को 300 से 400 ग्राम 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। 15 दिन के बाद दोबारा छिड़काव भी जरूर करें। दवा के साथ चिपकने वाले पदार्थ जैसे साबुन, शैम्पू या गुड़ जरूर मिलाएं। अगली बीमारी है बांझपन। तो जैसा कि यह बीमारी माइट से फैलती है, जिसे खुली आंखों से आप नहीं देख सकते हैं, अगर इसे आप कंट्रोल कर लेंगे तो बांझपन बीमारी फसल में आएगी ही नहीं। जब आपकी फसल 40 दिन के आसपास की हो, तब माइट के नियंत्रण के लिए कई दवाएं आती हैं, जिसमें से घुलनशील गंधक का स्प्रे किया जा सकता है। इसका स्प्रे करते समय यह ध्यान रखें कि मौसम ठंडा हो। मौसम गर्म है तो उस दशा में आप प्रोपरगाइट या डाइफेन्थ्यूरान का स्प्रे करें। 15 से 20 दिन बाद दोबारा स्प्रे करें। लेकिन अगर आपने किसी दवा का प्रयोग शुरू में नहीं किया है तो शुरुआती लक्षण दिखाई देते ही ऐसे पौधों को खेत से बाहर निकाल कर नष्ट कर दें। फिर इन्हीं कीटनाशकों का छिड़काव करें, जिससे यह माइट इस बीमारी को फैलाए नहीं और फसल स्वस्थ बनी रहे। किसान भाइयों, अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। मिली राहत, सड़कों पर जाम जमा घुटने भर पानी, राहगीरों और दुकानदारों को हो रही परेशानी। मुरैना में आंधी तूफान और बारिश में 5 मकान ध्वस्त, किसी तरह की कोई जनहानि की नहीं सूचना, सभी प्रभावितों को लाखों का घरेलू सामान हुआ तबाह। दिल्ली में हीटवेव पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बड़ी बैठक, स्वास्थ्य मंत्री। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों के पास तालाब है और उन तालाबों में सिंघाड़े की नर्सरी डाली है, तो इस समय नर्सरी में खरपतवार, जल प्रबंधन और कीट रोग के नियंत्रण पर ध्यान देना होगा, तभी आपको आगे चलकर स्वस्थ पौध मिलेगी। तो आप स्वस्थ पौध प्राप्त करने के लिए इन सभी कार्यों को किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर उल्फत सिंह धाकड़ से। वर्तमान समय में सिंघाड़ा हमारा एक महत्वपूर्ण फसल है और इसे हम उपवास, व्रत और दूसरे उसमें क्या किया था, क्योंकि सिंघाड़े एक पोषक तत्वों से भरपूर फसल है और इसकी किस तरह देख रेख रख रखाव किया जाए, इसके लिए नर्सरी का कार्य बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि वर्तमान में जो देखने में आ रहा है कि किसान ताल तलैयों के साथ में जो हमारे धान के खेत हैं जिनमें पानी भरता है, उनमें भी आजकल सिंघाड़े की खेती प्रारंभ कर दी है। किसान भाई, वर्तमान समय में जो आपकी नर्सरी लगी हुई है, अब धीरे धीरे उसके पौधा स्थापित हो चुका है और बेल उसके ऊपर की तरफ आने लगी है और जड़ों ने अपने जमीन के अंदर स्थापना प्रारंभ कर दी है।
किसान भाइयों, मौजूदा दौर में सिंघाड़ा की खेती अच्छी आय का एक प्रमुख साधन है, इसलिए इसे नकदी फसल कहा जाता है। किसान सिंघाड़े की खेती वैज्ञानिक तरीके से करें तो इससे वे अधिक उत्पादन और मुनाफा ले सकते हैं। जलीय पौधा होने के कारण मिट्टी इसकी खेती के लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रखती है, लेकिन यह पाया गया है कि जब जलाशयों की मिट्टी सामान्य से ज्यादा भुरभुरी होती है तो सिंघाड़ा बेहतर उपज देता है। जो महत्वपूर्ण कार्य है हमारी सिंघाड़े की जो नर्सरी है, उसमें हमें खरपतवारों पर विशेष ध्यान रखना है, और उसमें अगर खरपतवार है या दूसरे कोई पौधे उग रहे हैं उनको जरूर साफ करें, क्योंकि जो हम पोषक तत्व नर्सरी के पौधों के लिए देंगे वो हमारी प्रतियोगिता के द्वारा दूसरे पौधे ले लेंगे, तो जिससे हमारी नर्सरी कमज़ोर हो जाएगी। साथ में बीमारियों का संचरण के या उनके जो बीमारी का वो होस्ट का जो कार्य करते हैं, खरपतवार ही करते हैं, तो इनका तो हमें चुनाव करके निकालते रहना ही है। दूसरा, पानी का जो हमारा उसका लेवल है तो उसको बिल्कुल बनाए रखें, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं पानी उसमें नीचे रिस रहा है, पानी चला गया या ऊपर से आपने पानी नहीं दिया, तो ऐसी कंडीशन हमारी सिंघाड़े की जो नर्सरी है वो बिल्कुल बेकार हो सकती है। पानी का लेवल भी आपको बढ़ाते रहना है, ऐसा नहीं है कि पानी का लेवल नीचे जा रहा है और बेलें ज़्यादा फैल गई हैं, उसमें उसकी सघनता ज़्यादा बढ़ गई है, तो वाटर रिक्वायरमेंट जो हमारी जल मांग जो बढ़ेगी पौधों की, उसके हिसाब से हमें उसका लेवल भी धीरे धीरे बढ़ाते रहना है, इसको हमें विशेष ध्यान रखना है। आजकल खेती में लोगों की दिलचस्पी फिर से बढ़ रही है, लोग इस तरह की खेती करने पर जोर दे रहे हैं जिनमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिल सके। ऐसी एक फसल है सिंघाड़ा, लेकिन इस फसल में लगने वाले कीटों के प्रकोप से भारी नुकसान होता है, इसलिए आप इनका नियंत्रण जरूर करें। किसान भाइयों, हमारी जो नर्सरी है सिंघाड़े की, उसमें सुरक्षा का महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि इसमें कीट व्याधि जो आती है वही हमें ज्यादा नुकसान पहुँचाती है, तो कीट में हमारा जो सिंघाड़ा भृंग है ये एक महत्वपूर्ण कीट है, और सिंघाड़ा की सब फूल पत्ते और उसकी शाखाएं डंठल इनको नुकसान पहुंचाते हैं, और ये विभिन्न अवस्थाओं का जो कीट की है, जैसे लार्वा उसका जो रहता है और उसके बाद प्रवण है, ये दोनों ही इसमें नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि आपने देखा हो पत्ते के पिछली साइड में या पत्ते के ऊपर इसमें गुच्छों में आपको अंडे इसके देखने में मिलेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, हमारे प्रवण है पूरे पत्ता भी चबा जाते हैं, खाते हैं, तो इस तरह से प्रवण और उसकी जो हमारी लार्वा है वो दोनों ही अवस्थाओं में इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसकी एकीकृत प्रबंधन अगर इसमें किया जाए तो सबसे पहले तो हमें किसान भाई उसमें हमें निगरानी रखना होगी, अगर इस तरह के कीट पत्तियों के ऊपर उनके अंडे हैं तो ऐसे पत्तों को निकाल करके उससे निकाल दें, और दूसरा अगर उसमें है तो हमें इसमें कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ेगा। कीटनाशकों में किसान भाइयों, क्लोरोपिरीफास हमारा जो कीटनाशक है उसकी धूल या हमारा जो द्रव्य रूप में आता है उसकी 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव भी कर सकते हैं, या उसकी धूल का भरकाव कर दें तो ये कीट पर प्रबंध पाया जा सकता है। क्योंकि किसान भाइयों, हमें मछलियाँ और दूसरे कीट भी रहते हैं, तो हमें कीटनाशकों के चुनाव में विशेष ध्यान रखना है, और उस पानी को जब हम कीटनाशक वगैरह डालें कोई दूसरे खेतों में नहीं जाए, कोई जानवर जो हमारे गाय या पशु हैं वो उस पानी को न पिए, अन्यथा क्या है कि उनको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो कीटनाशकों के चुनाव के पहले और उनके छिड़काव के बाद इस तरह की निगरानी आपको विशेष तौर पर रखना है। किसान भाइयों, सिंघाड़े में जो प्रमुख दूसरा कीट है वो लाल खजुरा के नाम से जानते हैं इसे हम, इसकी मक्खी होती है, और ये क्या है, हमारे पत्ते का जो डंठल होता है, जो फूला हुआ भाग आप देखते होंगे सिंघाड़े के और पत्ते के बीच में एक डंठल जो निकलते हैं पत्तों के बीच में, उस पर मक्खी बैठती है और उसमें अंडा देती है, वो भी पोजिटर के माध्यम से, और वो अंडा अंदर जा करके एक लाल रंग की, आपने देखा होगा उसको खोल के देखना, इस लाल रंग की तीखी लाल इस सुराही टाइप की इल्ली रहती है जिसे हम, वो क्या है अंदर अंदर उसको खाती है, और खाने के बाद में उसको सड़ा देती है, और जैसे ही वो सड़ता है तो पत्ते की सतह, हमारा पूरा का पूरा गुच्छा है वो धीरे धीरे डूबने लगता है। तो इसके लिए हमें सबसे बढ़िया होगा कि आप इमिडाक्लोरपिड या थायोमेथॉक्सम, इस तरह के जो कीटनाशक हैं इनको प्रयोग करना है। अगर आपके पास इमिडाक्लोरपिड है तो इसकी 6 ml मात्रा प्रति 15 लीटर, 15 लीटर का हमारा टैंक आता है उसमें 6 ml दवा डाल लें, और इसका स्प्रे अगर आप करते हैं तो निश्चित है आपको जो लाल खजूरा जो एक कीट है, जो लाल रंग की जो इल्ली जिसमें जो पाई जाती है, इसका निश्चित रूप से प्रबंधन हो जाएगा, जिससे आपका सिंघाड़े की फसल बच जाएगी। सिंघाड़े की फसल को दहिया रोग के प्रकोप काफी नुकसान होता है, जिसकी वजह से फल कम बनते हैं और सिंघाड़ा उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आपके सामने इस तरह की समस्या नहीं आए, इसके लिए आप इसकी पहचान कर नियंत्रण उपाय को अपनाएं। कीटों के बाद में हमारी बीमारियां, और सिंघाड़े की फसल में जो प्रमुख रूप से हमें देखने में मिलता है कि हमें एक दहिया रोग है। ये दहिया रोग में क्या है कि हमारी जो फफूंद है ये पत्तों के ऊपर फैल जाती है, और पत्तों के ऊपर जब ये फैल जाएगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इसके कारण जो बाधित हो जाती है, और जब ये क्रिया बाधित होती है तो उसके कारण क्या है कि हमारे सिंघाड़े के फूल एवं सिंघाड़े का जो फल बनता है उस तरह पर सब पे उस पर नुकसान होता है। तो इसको अगर हम प्रबंधन करें
तो इसके लिए सबसे अच्छा है दही को रोकने के लिए तो सल्फर का प्रयोग ज़्यादा करना है। सल्फेक्स नाम का जो हमारा बाजार में मिल जाता है उसकी 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाएं और उसका छिड़काव करेंगे तो इसका नियंत्रण हो सकता है। और खास करके इस तरह के जो पत्ते दिख रहे हैं बीमारी ना फैले ऐसी रोगग्रस्त पत्तों को निकाल करके हमें अपने सिंघाड़े की नर्सरी से या सिंघाड़े के जो हमारा मुख्य तालाब है खेत है उससे अलग करें जिससे आपकी बीमारी आगे नहीं फैलेगी, इसका ध्यान जरूर रखें। किसान भाइयों सिंघाड़े की नर्सरी और उसके अच्छे उत्पादन के लिए जो समस्त सावधानियां बताएं फसल सुरक्षा खरपतवार प्रबंधन इन सबको आप एकीकृत तौर पर करते हैं तो आपकी अच्छी नर्सरी होगी। और जब आपकी नर्सरी के पौधे अच्छे तैयार हो जाएंगे किसान भाइयों तो आप मुख्य तालाब में या आपने जो तैयारी की है दूसरे धान के खेतों में उसका जब रोप आप स्थानांतरित करेंगे उसके बाद आपको अच्छे से अच्छा उत्पादन मिलेगा जिससे आपकी आर्थिक लाभ भी प्राप्त। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। के नेतृत्व में बैठक, देशभर में हीट वेव की तैयारियों का लेंगे जायजा। छतरपुर में मां की बेरहमी से पिटाई, बेटे ने मां पर जमकर बरसाई लाठी, स्थानीय लोगों ने किया बचाव, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जगन्नाथ रथ यात्रा पर छत्तीसगढ़ के जगन्नाथ मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़, रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने की पूजा, छेरा पहारा की निभाई रस्म। छत्तीसगढ़ में भगवान राम के बाद अब भगवान जगन्नाथ पर सियासत, कवासी लखमा ने कहा कांग्रेस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, मौसम आधारित साप्ताहिक कृषि परामर्श, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भोपाल, नई दिल्ली से प्राप्त मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान के आधार पर और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़ से जारी किया गया है। ऐसे में जिला टीकमगढ़ और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि किसान भाई अरहर की बुआई के लिए खेतों को तैयार करें और बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें। जिन किसान भाइयों के पास पर्याप्त सिंचाई की सुविधा हो वे खरीफ प्याज की नर्सरी लगाने के लिए खेतों की तैयारी का कार्य शुरू करें और साथ ही उन्नत किस्म के बीज की व्यवस्था करें। मौसम को ध्यान में रखते हुए टमाटर के फलों को फली छेदक कीट से बचाव के लिए किसान खेत में पक्षी बसेरा लगाएं व कीट से नष्ट फलों को इकट्ठा करके जमीन में दबा दें। साथ ही फल छेदक कीट की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप 2 से 3 ट्रैप प्रति एकड़ की दर से लगाएं। मिर्च और टमाटर की फसल में इस समय लीफ कर्ल यानी चुर्रा मुर्रा रोग आने की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथोक्साम 25 DG की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैंगन की फसल में तना भेदक व फल वेधक मक्खी से बचाव के लिए प्रभावित फलों को तोड़कर जमीन में दबाकर नष्ट कर दें व अधिक मात्रा में इन कीटों का प्रकोप हो तो स्पाइनोसिड दवा 48 EC की 1 ml मात्रा प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। लौकी, तुरई, कद्दू, ककड़ी में लाल कीड़ा यानी रेड पंपकिन बीटल दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल पैराथियन 2% धूल का भुरकाव करें। वर्षा ऋतु में विभिन्न फलों के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करें और गड्ढे खोदकर तैयार कर दें और फलों के पेड़ की आवश्यकता के अनुसार गड्ढे के बीच की दूरी बनाए रखें। पशुओं को साफ और ताजा पानी दिन में 2 बार दें, साथ ही साथ हरा चारा दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का उपयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 ml फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। पशु चिकित्सक से संपर्क कर अपने मवेशियों को गला घोंटू एवं लंगड़ी रोग का टीकाकरण करवाएं। किसान भाई इस सप्ताह भेड़ों की
ऊन कतरने का कार्य पूरा करें। बकरियों में पीपीआर रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। पेट में कीड़े होने और बाहरी परजीवियों का प्रकोप होने पर पशु चिकित्सक से परामर्श कर बकरियों को दवा पिलाएं। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली बकरियों को 300 से 400 ग्राम संतुलित राशन दें। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। चूजों को 7 दिन की अवस्था पर टीकाकरण करवाएं। मुर्गे और मुर्गियों को मिनरल मिक्सचर और साफ एवं ताजा पानी दें। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम संगिया जिला बैतूल के किसान सुभाषीष दुबे ने। आप कपास की खेती पर जानकारी चाहते हैं, तो सुभाषीष जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज कपास की खेती के बारे में, उन्नत कृषि के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। तो इसके लिए कुछ वैरायटी हैं जो आपके एरिया के हिसाब से, आपके JKH हाइब्रिड जो है हमारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से जो निकला हुआ है JKH 1 है, और हाइब्रिड 4 भी आपका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और एक मैक वन वैरायटी आती है MECH 1, ये बहुत अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा विभिन्न कंपनियों ने कुछ BT कॉटन निकाला हुआ है, जैसा कि किसान भाई ये ज़्यादा जानते हैं, आजकल मैं BT कॉटन का ज़्यादा उपयोग करते हैं। वैरायटी का सिलेक्शन करें और बोएं। जलवायु के अनुसार आपको कॉटन के लिए मिट्टी का भी चुनाव करना है, तो जलवायु इसके लिए गर्म और नमीयुक्त होना चाहिए। इसके लिए आपको तापक्रम जो है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और मिट्टी इसकी भारी काली और दोमट भी चलेगी, लेकिन काली हो और भारी हो तो ज़्यादा अच्छा है, जिसको हम हैवी क्ले सॉइल बोलते हैं, और इसमें जीवाश्म की मात्रा अधिक होना चाहिए। खेत की तैयारी का बहुत महत्व है, पहली फसल के प्रीवियस क्रॉप के उसके रेसिड्यूज को या तो अच्छी तरह मिट्टी में मिला दें या अलग कर दें, खेत से बाहर कर दें, और इसके बाद आप को क्रॉस डिस्क हैरो चलाएं और कल्टीवेटर चलाएं। तो इसके बाद इसमें आपको 10 से 12 टन कम से कम सड़ी हुई गोबर की खाद पर हेक्टेयर मिलाना बहुत आवश्यक है, और उसके बाद एक बार हैरो अच्छे से चला दें तो ठीक से उसमें सॉइल में मिक्स हो जाएगा, और उसके बाद पाटा चला के उसको समतल कर दें। तो किसान भाई, इसके बाद बात आती है हमको उर्वरक कैसे देना है और कितना देना है, यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि उर्वरक में अनावश्यक हमारा खर्चा बढ़ जाता है। इसके लिए अनुशंसित जो मात्रा है हम मृदा का परीक्षण करवा के हमको उर्वरक देना चाहिए। 120 किलो नत्रजन और 60 किलो फास्फोरस और पोटास की ज़्यादा मात्रा 80 किलोग्राम हमको देना चाहिए। स्फुर और पोटास की पूरी मात्रा और नत्रजन की आधी मात्रा को जुताई के समय आप बोनी से पहले दे दें। उसके बाद बची हुई जो नत्रजन की मात्रा है वो आप दो भागों में दें, दो जो स्टेज हैं, जब आपको आवश्यकता है फसल के लिए तब आप दें। तो इस तरह से आप फसल में उर्वरक का प्रबंधन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपके पास इरिगेशन की फैसिलिटी है तो समय अभी बहुत अच्छा है, अभी आप इसकी बोनी कर सकते हैं, और सिंचाई की उचित मात्रा आपको 1 से 2 सिंचाई मानसून आने से पहले आपको देना होगी। अगर आपके पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो आपको मानसून जैसे ही आता है, मानसून फर्स्ट सावर आने के बाद तुरंत दूसरे सावर आने से पहले आप इसकी बोनी या डिबलिंग कर दें। जून का महीना बेस्ट है, और मई का लास्ट वीक अगर आपके पास इरिगेशन की फैसिलिटी है तो और बेस्ट है, और जून का पूरा महीना आपके लिए, अगर बारिश का फ़ायदा लेना है जून के लास्ट वीक तक, आप फर्स्ट वीक जुलाई तक आप बोनी कर दीजिए। इसके बाद किसान भाइयों, बात आती है बीज एवं बोनी प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, बीज बहुत अच्छा आप लोग लें, अच्छी सर्टिफाइड बीज होना चाहिए, वो बीज को उपचारित भी करें। उपचारित करने के लिए आप 2 ग्राम वाविस्ट्रीन ले लें और 2 ग्राम थायरम ले लें, इस और दोनों के मिक्सर से आप बीज को ट्रीट कर लें। 1 किलोग्राम बीज के लिए 2 ग्राम वाविस्ट्रीन और 2 ग्राम थायरम सफिशियंट होती है, इससे क्या है फंगल डिजीज कुछ होते हैं वो आपके नियंत्रित हो जाते हैं।
हैं, तो इसकी बीज की मात्रा बड़े हिसाब से। उन्नत प्रजातियों का बीज 2 से 3 किलोग्राम और संकर या बीटी कपास की किस्मों के लिए 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। और इसके बीज के उपचार के बाद जो बुआई की दूरी है तो उसको ध्यान रखना चाहिए, 3 फीट की कम से कम कतार से कतार दूरी होना चाहिए। पौधे की दूरी 2 से 3 फीट हो सकती है। इसके बाद अगर रिज एंड फरो से बोनी करनी है, जैसे जहाँ पानी का भराव ज़्यादा होता है वहाँ रिज एंड फरो बना लें। और हमारे कुछ इंटर कल्टिवेशन ऑपरेशंस हैं, चाहे बीडिंग हो या आप मल्चिंग करेंगे तो बहुत आसानी से आपकी कर्षण क्रियाएँ हो जाएंगी। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadataMP@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-88-92163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।